आप सभी का स्वागत है इस समय की प्रार्थना में। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें इस समय के लिए, इस रात्रि के लिए, परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। सभी जन कली से परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें पूरा दिन भर संभाला, आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और प्रभु के सम्मुख आते चले जाएं। सभी जन कलीसिया, आज आपके हालात, आपकी परिस्थिति, हो सकता है कि आज एक बार फिर से आपको निराशा को देखना पड़ा है, हो सकता है एक बार फिर से आपको हार का सामना करना पड़ा है। आज आप बड़ी उम्मीद के साथ गए थे, पर आप उसी उम्मीद के साथ वापस नहीं आए हैं। आपको हार का सामना करना पड़ा है, आपको किसी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा है। आज परमेश्वर के निकट आ जाएं। हालेलुया। यदि आज इस समय आप अपनी परिस्थितियों को, अपनी नेगेटिविटी को, अपने हालातों को, अपनी हार को परमेश्वर के निकट लेके आए हैं, तो वो आज आपको जयवंत करने जा रहा है, वो आपको उठा के खड़ा करने जा रहा है, आपके जीवन के तमाम परिस्थितियों से वो आपको आज़ाद करने जा रहा है, क्योंकि वह सब कुछ करने वाला परमेश्वर, उसकी सामर्थ्य के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। इसलिए आज जहाँ जहाँ आप गए और आपको हार का सामना करना पड़ा है, आपको और भी ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ पर करना पड़ा है, आज आपने वही हिस्से को, वही डॉक्यूमेंट्स को, वही केस की फाइल को, वही पासपोर्ट को आज परमेश्वर के निकट लेकर के आए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के निकट लेके आ रहे हैं तो आज आपको जयवंत करने जा रहा है अपने वचन से। परमेश्वर का वचन याकूब 5 अध्याय और उसका 15 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और प्रभु का एक और वादा उसके साथ, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए आज वो हमारा परमेश्वर जो अपना वचन भेज के हमसे बात करता है, हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है, वो आज आपको उठा के खड़ा करने जा रहा है। वो आज जितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और बीमारी में होने से भी बड़ी विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, दुख में होने से भी एक विश्वास भरी प्रार्थना कर रहे हैं, निराशा में होने से भी विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर उन्हें उठा के खड़ा करने जा रहा है। तो आज परमेश्वर उनके जीवन में अपनी अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसलिए आज आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, बार बार आपको स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है, बार बार आपको हार को देखना पड़ा है, आज परमेश्वर के निकट आ जाए। वो दयावंत है, वो दया का सागर है, वो क्षमा की खान है, वो परम प्रधान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, वो हमें उठा के खड़ा करने वाला है, वो हमारे अंग संग रहने वाला परमेश्वर, आज उसके सम्मुख आए। थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु। बोलते हुए सभी जन परमेश्वर की भलाई को याद करें और उसका धन्यवाद करें जो प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाला। हमारे आने जाने मार्गों में प्रभु ने मदद किया, आपके बच्चों के स्कूल आने जाने में परमेश्वर ने मदद किया, आप बच्चे जो बच्चे आज गए थे टेस्ट देने के लिए स्कूल में, एग्जाम देने के लिए जितने लोग गए हैं, किसी भी तरह का टेस्ट हो, परमेश्वर ने आपको जयवंत बना दिया है। ये क्या है? ये आपका विश्वास है कि मेरे प्रभु ने मुझे जयवंत कर दिया है, मैं फर्स्ट आ चुका हूँ, मैं पास हो चुका हूँ, और बेस्ट मार्क्स के साथ आप पास होने जा रहे हैं, यदि आप ऐसा विश्वास इस समय परमेश्वर को दिखा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इससे हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, हर एक परिस्थिति के साथ, अपनी लाचारियों के साथ, अपनी बेबसियों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ आज परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है कि जो जो परमेश्वर के सम्मुख आया, पूरी भीड़ परमेश्वर के सम्मुख आई, और उनमें से यदि कोई बीमार था, यदि कोई दुखी था, लाचार था, कमजोर था, तो प्रभु का वचन कहता है कि उसने हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताओं से आजाद किया, उसने चंगा किया, यीशु मसीह ने चंगा किया। और वही यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में है, आपको आजाद करने के लिए, चंगाई देने के लिए, उठा के खड़ा करने के लिए, बीमारी के बिस्तर को उलटाने के लिए, आपको जयवंत करने के लिए लाइफ के हर एक क्षेत्र में। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के निकट आए और अपने हाथों को स्वर के उठाए और अपने हाथों को हिलाए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन वो हमारा परमेश्वर जो चंगाई देता है, आज उसका धन्यवाद करें। जो कमजोरियों में हमारा बल है, हमें अपना जोर देता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारा बड़ा दृढ़ गढ़ है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारी मजबूत चट्टान है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो जयवंत परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें हर तरह से संभालने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। लड़ाई झगड़ों से आपको बचा के
रखा उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको धैर्य दिया, धीरज दिया, संयम दिया, विश्वास दिया, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने अपनी कृपा को आपके ऊपर बना के रखा कलीसिया, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके परिवार के सदस्य या रिश्तेदारों को, किसी प्रियजनों को आपने खोया है, और आज जो आपका दिन है वो क्या है, वो दुख से भरा हुआ है, और आपका मन क्या है, वो शोक से भरा हुआ है, आपके अंदर अशांति है। हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपने वचन से शांति दिया है, बल्कि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी खुद की शांति देता हूँ, और सच में प्रभु ने हमको अपनी शांति दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। और यदि आज भी आप उसी दुख में है, उसी शोक में है, तो प्रभु के निकट आ जाएं और कहें, प्रभु जी मुझे एक बार फिर से अपनी शांति से भर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर तरस खाएं, मेरे हालातों पर तरस खाएं, और मुझे उठा के खड़ा कीजिए। आप तरस खाने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारे अगम्य परमेश्वर का धन्यवाद करें, उद्धारकर्ता परमेश्वर का धन्यवाद करें, अद्भुत कामों को करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें क्षमा करने वाले प्रभु का धन्यवाद करें, परम धन्य परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें हमारा नाम लेके बुलाने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु के प्रभु का और राजाओं के राजा का आज धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो हमारा परमेश्वर जो हमारी मुख की चमक है, और जो अल्फा और ओमेगा आदि और अंत, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, स्वर्ग के राजकुमार का धन्यवाद करें, पृथ्वी के कर्ता का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हमारे लड़ाइयों को लड़ने वाले परमेश्वर का और जयवंत प्रभु यीशु मसीह का आज सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, अब्राहम और इजहाक और याकूब के परमेश्वर का धन्यवाद करें, दानियल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, शद्रक मेशक और अब्दीनगो के प्रभु यीशु मसीह का आज सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारा परमेश्वर जिसका वायदा है कि यदि तू आग में होकर के चले तो उसकी लौ भी तुझे कोई नुकसान ना पहुंचाएगी, वो हमारा परमेश्वर जिसका वायदा है कि यदि तू आग में होकर के चले, पानियों में होकर के चले, तो प्रभु कहते कि तो भी मैं तेरे साथ हूँ, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। आज आपकी परिस्थिति, आपके हालात कैसे भी क्यों ना होने से, आज आपकी लाइफ स्ट्रगलफुल होने से भी परमेश्वर का वायदा कि वो हमारे साथ है। इसलिए जितने जन विश्वास करते कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, आज परमेश्वर के निकट आए और ज्यादा से ज्यादा आज की प्रार्थना को शेयर करें। हालेलुया, क्योंकि आज हमारा परमेश्वर वो लोगों के मनों को बदलने जा रहा है जो अपने जीवन से थक गए हैं, जो हार चुके हैं कर्जों में होने से, रात भर सो नहीं पाते हैं, जो अपने जीवन को लेकर अति चिंतित, अति दुखी, अति परेशान है, आज उन लोगों को परमेश्वर के जरिए के साथ कनेक्ट करें, आज उन्हें जोड़ ले परमेश्वर के जरिए के साथ, जो अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय किया, आज परमेश्वर उनके मनों को बदलने जा रहा है, उनके जीवन में अपनी शांति को भरने जा रहा है, जो डर के मारे अपने चेकअप नहीं करा रहे, अपनी रिपोर्ट नहीं कराने जा रहे, आज परमेश्वर आपको जयवंत करने जा रहा है, वह आपके जीवन में बीमारी को शून्य करने जा रहा है, वह आपके जीवन में बीमारी को शून्य करने जा रहा है, वो बीती बात बन के होने जाने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, इसे आज परमेश्वर के निकट आए, निकट आए इसके परमेश्वर के, वो हमारा परमेश्वर जो जयवंत है और जो हर दिन हमें संभालता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। जैसे कि लास्ट संडे जो कि आपने परमेश्वर की दासी के जरिए वचन को सुना था, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 वचन से, कि हम क्या हैं, हम एक चुना हुआ वंश है, हम राज पदधारी हैं, याजकों का समाज है, हम परमेश्वर के पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, वो हमारा परमेश्वर जिसने इस अंधकार के ऊपर जय पाई है, जो हमारा परमेश्वर इस अंधकार में एक ज्योति बन के आया, हम उस परमेश्वर के निज प्रजा हैं। हालेलुया, ताकि हम अपने परमेश्वर के उद्धार के कामों को, उसके गुणों को अपने जीवन में से प्रकट कर सकें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, इसलिए वचन को क्लेम करें कि आज आप दुखी हैं कि प्रभु मैं तो आपकी निज प्रजा हूँ, प्रभु मैं आपका चुना हुआ वंश हूँ, हालेलुया, आपने मुझे इस जगत में भेजा ताकि मेरे जीवन के जरिए आपकी महिमा प्रकट हो सके, आपके गुण प्रकट हो सके, आपके नाम की महिमा हो सके, आपके बड़े बड़े काम जाहिर हो सके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब जन परमेश्वर के निकट आए, एक एक जन आज परमेश्वर के निकट आ जाए, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां, आपका दुख आज कैसा भी होने से, आज हर एक एक जन इस समय परमेश्वर के निकट आए, अपनी परिस्थितियों को लेके, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के,
अपनी फाइल को लेके, अपने पासपोर्ट को लेके, अपने गुप्त बीमारियों को लेकर के, अपने दुखी हृदय को लेके, अपने शोकित मन को लेकर के, अपने टूटे हुए दिलों को लेकर के, अपने धोखा खाए हुए हृदयों को लेके आज ऐसी परिस्थितियों के साथ आज परमेश्वर के निकट आ जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। बार बार आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, स्ट्रेस का, टेंशन का सामना करना पड़ रहा है, आज परमेश्वर के निकट आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने घुटनों पर आ जाए, एक एक जन अपने घुटनों पर आ जाए। थैंक यू जी सर। जितनी लेडीज प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, बार बार उन्हें मिसकैरेज का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, आज प्रभु यीशु मसीह के निकट आए। और यदि आप ऐसे को जानते हैं तो उन्हें प्रभु की हजूरी के साथ कनेक्ट करें, आज उन्हें शेयर करें, ताकि वो अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देख सके, परमेश्वर के गुणों को वो अपने जीवन में प्रकट होते हुए देख सके, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जी सर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी सर। प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते आपके सम्मुख, हर एक तरह के दुष्ट आत्माएं आज इनके जीवन से जय यीशु के सामर्थ्य नाम से, जय यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, सभी जन कलीसिया मिल के कहे, इन दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गॉस्ट फायर, 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक शिपुरी दुष्ट आत्मा, होली गॉस्ट फायर, 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 फायर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिनके पास जॉब नहीं है, आज अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, कहे प्रभु आपका वचन मुझसे कहता है, नीति वचन 3 अध्याय, कि मुझे आपका अनुग्रह मिलेगा, मुझे मनुष्य का अनुग्रह मिलेगा। कहे प्रभु मैं उस वचन को क्लेम करता हूँ, आज मुझे अपने अनुग्रह से भर दीजिए, आज मेरी फाइल को अपने अनुग्रह से भर दीजिए, आज कहीं प्रभु मेरी रिपोर्ट्स को अपने अनुग्रह से भर दीजिए। हालेलुया, रे बखशन देने बसा तेरी दी बद्री की, रे बखशन तेरे बसा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु शूल जे, शूल जे, शूल जे, राशि दीजिए, शूल जे, बरकत से भर दीजिए, और बरकत से भर दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारी तरह की शर्मिंदगी आज यीशु नासरी के नाम से जाए, आज यीशु के नाम से जाए। हर एक तरह का डिप्रेशन आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। टेंशन स्ट्रेस आज यीशु के नाम से आपको छोड़ के जाए, आज छोड़ के जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज कर्जों से आजाद हो जाए, कर्जों से आजाद हो जाए, कर्जों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, आजाद हो जाए यीशु के नाम से। हर एक तरह का कोर्ट केस, होली गॉस्ट फायर, 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। झूठे केस से आजाद हो जाए, प्रॉपर्टी के केस से आजाद हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आपकी हालात कैसे भी होने से, सिचुएशन कैसी भी होने से, आप कोर्ट केस में होने से, आज परमेश्वर पिता मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा कीजिए। आज कहें परमेश्वर मेरे जीवन में से अपने गुणों को प्रकट कीजिए, अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपका आना जाना परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के अंदर ठहरा देते हैं, परमेश्वर के सुरक्षा के बाड़े के अंदर ठहरा देते हैं। थैंक यू जीसस। हर एक एक्सीडेंट, होली गॉस्ट फायर, फायर, हर एक तरह का एक्सीडेंट बी कैंसल्ड, कैंसल्ड इन जीसस माइटी नेम। ऑपरेशन कैंसल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। छुपी दुष्ट आत्मा जाहिर और जाए, जाहिर और जाए यीशु के नाम से, जाहिर और छुपी दुष्ट आत्मा जाए, जाए, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। जो लेडीज अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, जब बार बार मिसकैरेज हो रहा है, आज आपके जीवन के हर एक मुर्दा परिस्थितियां, मुर्दा गर्भ, मुर्दा यूट्रस यीशु के नाम से जीवित हो जाए, यीशु के नाम से जीवित हो जाए, यीशु नासरी के नाम से जीवित हो जाए। हर एक तरह की कमजोरियां छोड़ के जाए यीशु के नाम से, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा जाए आपके अंदर से, जाए इसी वक्त छोड़ के। हालेलुया, हर एक तरह का पत्थर का हृदय यीशु के नाम से मांस में बदल जाए, मांस का होकर के बदल जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते कि इनका इस्तेमाल कीजिए अपनी महिमा के लिए, अपने उद्धार के कामों के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, प्रभु इनका इस्तेमाल करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक तरह की बीमारियां जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके ऑर्गन्स बी ब्रांड न्यू इन जीसस माइटी नेम, बी ब्रांड न्यू इन जीसस माइटी नेम। ब्लड की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, ब्लड का इन्फेक्शन, ब्लड का कैंसर, होली गॉस्ट फायर, 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 प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरे आपके जीवन में, और आप अपने जीवन में प्रभु के बड़े कामों को देखने पाए,
आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत और बड़े कामों को देखने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो बच्चे पढ़ने में वीक है, आज हम परमेश्वर का ग्रेस मांग लेते हैं उन बच्चों के लिए, परमेश्वर से विजडम को मांग लेते हैं। प्रभु इन बच्चों को ग्रेस दे, बुद्धि का आत्मा दे, विजडम का आत्मा दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ये बुद्धि में निपुण होते जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। चारों दिशाओं से आपके बच्चों के लिए परमेश्वर से आज आशीष को मांग लेते हैं। प्रभु आपके वचन को क्लेम करते हुए इन बच्चों के लिए आशीष को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर एक तरह की रसोलियां, सिस्ट, ट्यूमर आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए, आज यीशु के नाम से छोड़ के जाए। हर एक तरह की पेट की बीमारियां आज जाए यीशु के सामर्थी नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थी नाम से, आज जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जो ऑपरेशन हो चुके हैं और अभी भी प्रॉब्लम है, आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए, आज यीशु के नाम से चंगे हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जिसने अपने गुण प्रकट करने के लिए आपको पैदा किया, इस जगत में भेजा, सच में आपके जीवन से परमेश्वर के महिमा जाहिर होने पाए, उसके गुण प्रकट होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु ने उठा के खड़ा कीजिए, हर एक तरह की बीमारी के बिस्तर आज यीशु के नाम से उलट जाए, आज यीशु के नाम से उलट जाए। हर एक तरह की बीमारी से चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो दर्द आपके शरीर में रहता 24 घंटे, जब बार-बार दर्द उठता, यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए, यीशु नासरी के नाम से जाए, जाए, जाए आपके जीवन को छोड़ के, आपके शरीर को छोड़ के जाए। पैरों की दर्द से आजाद हो जाए, घुटनों की दर्द से आजाद हो जाए, कमर की दर्द जाए यीशु के सामर्थी नाम से, सर दर्द से आजाद हो जाए, माइग्रेन, स्ट्रेस, ट्यूमर यीशु के नाम से जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक तरह का कोर्ट केस यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से कैंसिल हो जाए। लंबे समय से चले आ रहे केस यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए, यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। लकोरिया की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, गुप्त बीमारियां यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए आपके शरीर को छोड़ के। थैंक यू जीसस, जो आपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लिया है, आज परमेश्वर का ग्रेस आपको छुए और डिसीजन बदल जाए और जीवन बदल जाए। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको अद्भुत रीति से शुए सेवक, टच प्रभु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट, टच प्रभु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और जीवन बदल जाए, और जीवन बदल जाए, और जीवन बदल जाए प्रभु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड, जो चल फिर नहीं पा रहे, व्हील चेयर पे, बीमारी के बिस्तर, इसी वक्त यीशु का सामर्थ्य आपको छुए और आपके जीवन में बल उतरे और ताकत उतरे और शक्ति उतरे और आप चलने लगे, व्हील चेयर से आजाद हो जाए, बीमारी के बिस्तरों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। पैरालाइज्ड अटैक, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हार्ट की प्रॉब्लम, नसों की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज यीशु के नाम से जाए, यीशु के नाम से जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो किडनी के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, ब्लड की इन्फेक्शन से आजाद हो जाए, शुगर की बीमारियों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बीपी बढ़ता, जो लो होता है, फ्लक्चुएट हो जाता है, यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम से नॉर्मल हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। रुके हुए काम यीशु के नाम से चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस चलने लगे, रुकी दुकानें चलने लगे, रुकी रेड़ियां चलने लगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो घर के चले गए, कम बैक इन जीसस माइटी नेम, कम बैक इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र आत्मा बल से उतरे आपके घरों में। जो रात भर सो नहीं पाते, आज परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करते हैं कि मीठी प्यारी नींद आए, स्वप्न दर्शन में परमेश्वर आपसे बात करे, आपको विजन दे, स्वर्ग की सैर करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। और जब आप सोए तो आपको कोई डर ना लगे, जब आप सोए तो आपको कोई भय ना लगे, और आप शांति की नींद सोने पाए, शांति की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवनों में शांति है, गुड न्यूज की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो रिसीव कर रहे हैं, वो बड़ी गवाही को देखने जा रहे हैं अपने जीवन में, वो बड़ी गवाही को, अद्भुत गवाही को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आगमन नजदीक है प्रभु, उसके लिए प्रभु हर एक जनों को तैयार करना, निर्दोष और निष्कलंक बनाने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया सभी जनता लोगों के साथ, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु ने प्रार्थना को सुनकर गवाहियों के साथ ब्लेस कर दिया, बेबी ब्लेसिंग का गवाही दे दिया, छुटकारे का गवाही दे दिया, कर्जों से आजाद कर दिया, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक तरह की दुर्बलताएं, हर एक तरह की बीमारियों से परमेश्वर ने आजाद और चंगा कर दिया, इससे सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक जनों को तैयार करें, उसके निर्दोष और निष्कलंक बनाए, आज भी आपका आगमन होने से हम सब महिमा में बदल जाए, प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। कलीसिया सभी जन कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, और सभी को इनवाइट करते हैं आने वाली 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, जो कि चर्च का एनिवर्सरी है। सभी जन जो लोग दूर से अपनी टिकट्स को बुक कराएं, अपने इंतजाम करना शुरू करें, और यदि आपके साथ कोई आना चाहता है उन्हें भी आप अपने साथ लेके आए, हालेलुया। और इस मीटिंग के दौरान स्पेशल बीज बो रहा जाएगा, और अपने स्पेशल बीजों के साथ अपनी बेस्ट ऑफरिंग के साथ परमेश्वर के भवन में पहुंचे, और जिन लोगों के जीवन में गवाहियां आई हैं तो गवाही को देना ना भूले, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर करना चाहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, तो जो प्रार्थना कराने का नंबर है 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी इंक्वायरी को क्लियर कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। और जिन लोगों ने बैप्टिज्म लेना है, जल्द से जल्द अपने नाम को लिखवाएं, और 25 जुलाई की मीटिंग्स के दौरान जो मीटिंग होगी उसी मीटिंग्स के दौरान आपको बैप्टिज्म दिए जाएंगे, इसलिए सभी में बड़ी तैयारी के साथ आना है। सभी जन प्रभु में श्रद्धा बने रहें, अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की जमीन के लिए, चर्च की सारी जरूरतों के लिए। सभी जन प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, आप सभी को जय मसीह की। कलीसिया सभी जन बुलंद आवाज से कहें हालेलुया।